अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागी मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि जो शख्स अजान के वक्त बात करे तो उसको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। तो इसी की हम तहकीक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और हो सकता है कि आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो। जैसा भी हो नीचे बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए दोस्तों, मैं आप हजरात को जल्द से जल्द बदला देता हूँ। तो आज का जो उन्वान है, साहिल जो सवाल करता है दारुलूम देवबंद से, वो सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि अजान के वक्त हर काम छोड़ देना चाहिए वरना मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता है, क्या ये दुरुस्त है? तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान के वक्त अजान का जवाब देना चाहिए, बातें बंद कर देना चाहिए। ये तरीका नापसंद है कि बातें होती रहें और अजान का जवाब ना दिया जाए, मगर ये बात गलत है कि ऐसे शख्स को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। फतावा महमूदिया 429 जिल नंबर 5 ढाबे। अल्लाह ताला आलम, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, इसी तरीके से इसी के मुताबिक जो सवाल किया गया बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान से, तो उनकी तरफ से भी जवाब आता है। तो सवाल किया किसी ने, अजान के दौरान बात करना कैसा फेल है और इसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुमानियत या वईद भी आई है? तो इसका जवाब आता है बिन्नौरी टाउन कराची की तरफ से, अजान के दौरान खामोशी से अजान को सुनना और अजान का जवाब देना मुस्तहब है, और अजान के वक्त बातें करना खिलाफ उला है। अलबत्ता अगर कोई तालीम व तअल्लुम में मसरूफ़ हो और दरमियान में अजान शुरू हो जाए तो उसके लिए इल्म से मुतालिक बातों में मसरूफ़ रहना मकरूह नहीं होगा। नीज़ फुकहा इकराम ने बाज़ दिगर मौके भी शुमार किए हैं जहां अजान के दौरान इन कामों में मशगूल रहने की इजाज़त है। अजान के दौरान बात करने के मुतालिक वईद या ममानियत मुस्तनद अहादीस में नहीं है। नीज़ बाज़ मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूरतन अजान के दौरान गुफ्तगू करना भी साबित है। बिन नौरी टाउन कराची पाकिस्तान। तो दोस्तों, मैंने दोनों फतवे आप हजरात को पढ़ करके सुनाए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी कि अजान के दौरान जो लोग इस बात को फैला रहे हैं और इस्लाम के नाम पर झूठ बोल रहे हैं कि जो अजान के दौरान बात करेगा मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा, सरासर झूठ है। तो दोस्तों, आप हजरात को कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं, आइंदा भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।